मामला ये है कि हम एक हिंदी दैनिक अखबार से पत्रकारिता करते हैं और नगर पंचायत की इतनी भ्रष्टाचार की खबरें हैं और समाज के जादू मामला ये है कि हम एक हिंदी दैनिक अखबार से पत्रकारिता करते हैं और अजवा नगर पंचायत की जितनी भ्रष्टाचार की खबरें हैं और समाज को देखते हुए उस खबरों को हम प्रकाशित करते हैं, उसी बात को लेके अजवा नगर के ईओ ने सूर्य प्रकाश गुप्ता ने हमको एक दो बार रोक कर समझाने की कोशिश भी किए थे और उन्होंने कहा कि अगर नहीं समझते हैं आप तो हम फर्जी मुकदमे में आपको हम जेल भिजवा सकते हैं, इतनी हमको पावर है और हमारी बात को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। ईओ महोदय ने हमसे इस बात को कहा था और इस बात को हम अपने केवल साथियों को संज्ञान में न देकर अपने तक रखे, उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, जब होगा समय तो देखा जाएगा, जब हम गलत है नहीं तो कैसे हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जाएगा। लेकिन कल वही हुआ जो हमको उसने धमकियां दी थी, उसी बात को लेकर उसी खबरों को लेकर उसने हमको फर्जी मुकदमे में फंसाया और जो धमकी दिया था वो सच किया उसने। और जो कि मैं अजवा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 नेता नगर का निवासी हूँ, मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल दो बिटिया हैं मेरे पास और अगली बार भी कुछ रईस जादों ने और कुछ जिम्मेदारों ने मुझे षडयंत्र के तहत फंसा कर जेल भिजवा दिया था। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश पे मैं रिहा हुआ बेल पे आया और अभी 17 तारीख को ही मैं आया था और 3 महीने मुझे हुए हैं और फिर षडयंत्र के तहत मुझके धमकियां देने के बाद फिर फंसाया जा रहा है और मैं अगर गलत हूँ तो मुझे सजा मौत की दी जाए, अगर गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं बहुत गरीब हूँ और नगर ईओ से एक बार नहीं कई बार मैं प्रधानमंत्री आवास के लिए कहा भी, अप्लाई भी किया, आज भी मेरे घर पे पन्नी और तिरपाल डाल के मेरे बच्चे निवास करते हैं, मैं किसी तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। मैं बहुत ही तंग बहुत ही परेशान हूँ और हो सकता है मुझे अब यही लगता है कि जीने की इच्छा भी नहीं होती, मुझे लोग जीने नहीं देना चाहते, मैं अपने आप को सुधरना चाहता हूँ कि सुधर के मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, अच्छे तरीके से रह सकूं, लेकिन जिम्मेदार द्वारा मुझे आए दिन धमकियां दी जा रही है, फंसा देंगे, मर्डर करा देंगे, ऐसा करेंगे, बहुत धमकियां दी जा रही। हालांकि मैं अपने आप से बस केवल यही कहूंगा, अगर मेरे परिवार के ऊपर कोई बातचीत होती है या मेरे ऊपर कोई बातचीत होती है तो अयोध्या के ही जिम्मेदारों की ही पूरी जिम्मेदारी होगी। दो बार मुझे धमकियाँ मिल गई,
एक बार पहले 3 साल पहले धमकी मिली थी, और फिर अभी फिलहाल 5-6 दिन पहले फिर 2-2 बार धमकिया ईओ ने खुद दिया मुझे। और जो कि अगर प्रधानमंत्री ये राशन फ्री ना बंटवाए तो मेरे बच्चे भी भूखे मरते, ये मेरी दशा थी। और मैं गरीब हूँ बस, और क्या कहूँ, मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की, मैं काशीराम आवास में आवास न मिलने के कारण एक आवास को ताला बनकर अपनी कुछ गृहस्थी रखा था, उसको ईओ महोदय सूर्यप्रकाश गुप्ता वहाँ जाकर, मेरी माँ मरी गई लेकिन उसको इतनी गंदी गंदी गाली देकर, जो कि वहाँ के लोग अभी भी गवाह देने को तैयार हो जाएंगे, आवास को खाली कराया गया। ठीक है, मैं उसमें भी संतुष्ट हूँ, अधिकारी हैं, आपने कार्रवाई किया, लेकिन कार्रवाई केवल एक के लिए तो होती नहीं है, हर एक के लिए कार्रवाई होती है। आज भी वहाँ सैकड़ों परिवार ऐसे रहते हैं कि जो उस कॉलोनी में अलाटमेंट नहीं है, और फिर भी 4-4, 5-5 आवास को कब्जा किए हुए हैं, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं, केवल इस गरीब को अपराधी बनाया जा रहा, इस गरीब के साथ अन्याय किया जा रहा, इस गरीब का कोई साथ देने वाला नहीं है, और वो अनाथ और गरीब ही समझकर हमेशा धमकियाँ देते हैं और जेल भेजाने की धमकी देते हैं कि मेरे साथ न्याय हो। बस अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दिलवा दो, मैं फांसी पे झूलने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो एक ही रास्ता है मेरे पास, आत्महत्या, मर जाऊँगा, लेकिन मेरी मरने के बाद जिम्मेदार सूर्यप्रकाश गुप्ता ही होंगे, ये आप समझ लीजिए।